तो दोस्तों ये थे सर्पमित्र आकाश जाधव जो कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल पवार, है प्रशांत बागुल, है मनोज कनौज और उधर है हमारे कैलाश पवार, उधर है प्रशांत पवार। तो दोस्तों हम आज यहाँ पे आए, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे फिर एक बार हमारे पीछे वाले फार्म पॉइंट में एक सांप गिरा हुआ है। तुझे किसने गिरने को कहा था भाई? वैसे तेरी गलती नहीं है पर करो। तो दोस्तों आज अभी हम एक किसी सर्प मित्र को कॉल करके इसे निकालने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, देखते हैं कोई आता है या नहीं, वरना हमें ही निकालना पड़ेगा। हम इसलिए उन्हें कॉल करें क्योंकि हमने इस बात की ट्रेनिंग नहीं ली और वो जहरीला सांप है दोस्तों, उसमें हेमोटॉक्सिक नाम का जहर भी होता है और दोस्तों इन दिनों में हो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उसके पास नहीं जा रहे हुए। देखते हैं वो हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं सांप निकालने के लिए, तो देखते हैं क्या सुझाव देते हैं वो लोग। तो चलो कॉल करो भाई। हेलो, हाँ सर, सर्पमित्र आकाश जाधव बोल रहे हैं। सर ये आप ना फार्म पॉइंट में एक रसल वाइपर गिर चुका है तो उसे निकालना है, इधर नासिक जिले में, कलवन तहसील, कलवन तहसील। अगर नासिक का कोई होगा ना तो बता सकते हैं तो बता दीजिए। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे सर्पमित्र आकाश जाधव जो कि काफ़ी रसल वाइपर ज़्यादा पकड़ने में माहिर है और बहुत बड़ा चैनल है उनका, तो हमने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने नासिक के जो हमारे ज़िले के किसी सर्प मित्र का नंबर वो हमें मैसेज करने वाले थे, तक मैसेज नहीं आया। तो देख, और दोस्तों हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो सांप बहुत दिनों से गिरा है तो हम अब अपना ही जुगाड़ कर लेते हैं जो जैसा हर बार करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्रेट को हम बांध देते हैं। ओके, सांप भी इधर आ रहा है देखो। तो चलो भाई, तो नेट बना दिया दोस्तों, आप देख सकते हो हर फंड के चारों तरफ जो है ना, नीचे जाने दो, क्रेट को पानी में जाने दो, पानी में सही से जाने दो। ए तो ताड़पत्री चा इधर देखो, लकड़ी वो आप पकड़ के रखो। देखो देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो गई क्या वो यार, इसके नीचे भी संभल के रखो अभी, फिर एक लो उधर। ठीक है ठीक है, अरे तुम आते हो थोड़ा पीछे ना, पीछे धीरे धीरे, सीधा होने दो, कैट को सीधा होने दो। ऐसा उठा के उठा के, अरे मैं चप्पल, अरे चप्पल चप्पल पहन लो, चप्पल पहन लो, इतना रहने दो रहने दो, खींचो खींचो इधर आप, चप्पल लाओ, चप्पल पहन के सीधा सीधा रहने दो, सीधा हिलाओ मत, हिलाओ मत, ज्यादा हिलाओ मत। अच्छा, अरे मैं नहीं रुकूंगा इधर। अब हम बाहर नहीं आना चाहिए यार, चलो लेके चलो, अब जल्दी जल्दी ले चलो यार, इस क्रेट में ज्यादा नहीं रहेगा, तुम सीधा ज्यादा ज्यादा हिम्मत करने दो। चप्पल इधर है तुम्हारी, मैं पहन के आया। मेरी चप्पल लाके दो ना कोई, कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखिए सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है, तो मोमेंट जैसे ही बंद होगी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ज़्यादा देर मत रुको, ज़्यादा देर मत रुको, चलो चलो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इसे फिर एक बार हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है, क्या पता वापस जाएगा वो।
नहीं यार, अब दूर छोड़ेंगे, जरा सा पहाड़ के उस तरफ छोड़ेंगे यार, चलो बाहर जाना था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थक चुका होगा और ये काफ़ी ज़्यादा भूखा भी होगा, तो ये कम से कम 3-4 चूहे तो खा ही जाएगा। अब मेरी चप्पल दे इधर आके, उसका दर्द भी नहीं लगाया। दोस्तों इस तरह से हमने इस रसल वाइपर सांप को रेस्क्यू कर लिया है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, भारत में सबसे ज़्यादा मौतों का कारण भी यही होता है, क्योंकि दोस्तों ये काटते वक्त बहुत ज़्यादा जहर छोड़ देता है और सही इलाज ना मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों ये दिनों में, क्योंकि अब ये उनका प्रजनन काल चल रहा है। इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा है, 2 के संख्या में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मीटिंग चल रही होती है। और दोस्तों मीटिंग के दौरान ही बप्पी दास नेक्सेवर को भी इसी सांप ने काटा था। उन्होंने एक सांप को तो रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन दूसरे सांप ने उन्हें काट दिया था। हमने सर्पमित्र आका जाधव जी को कॉल किया था और उनसे इस सांप के बारे में कहा था। तो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं हमसे, वो नगर में रहते हैं, हम नासिक के भी ऊपरी हिस्से में, जाके गुजरात के पास का हिस्सा है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता उनको यहाँ तक आने के लिए। तो उन्होंने ये टिप्स दी थी कि सांप के पास मत जाओ और दूर से ही बिना हाथ लगाए सांप को निकालने की कोशिश करो। तो दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखा, कम से कम 4-5 फुट से ज़्यादा हम उससे दूर रहे थे। अभी उसे हम यहाँ से निकाल देंगे, तो लकड़ी से ही क्रेट को पलटा कर दो, निकल जाएगा मनोज भाई। तो ये अगर काफ़ी गुस्से में रहता तो निकल गया। देखो जा भाई जा, चले अपनी जिंदगी। तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है सांप, क्योंकि पानी में 2-3 दिन से तैर रहा था ये, तो उसका स्पीड भी देखो दोस्तों काफ़ी कम हो गया है। पिछली बार जो हमने निकाला था उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था। और ये फुतकार रहा है, आवाज़ देखो उसकी, आवाज़ सुना। तो दोस्तों बहुत जिद्दोजहद की मदद से हमने सांप को इस क्रेट की मदद से और इस रस्सी की मदद से आसानी से उस फार्म फ्रंट से निकाल लिया। तो दोस्तों अगर ऐसा सांप आपके आसपास गिरता है, आपके आसपास अगर सर्प मित्र होते हैं, तो आप उन्हें ही बुलाएं, आप खुद से कोशिश ना करें। और दोस्तों अगर करते भी है तो बिल्कुल भी डिस्टेंस मेंटेन रखें और उनके पास ना जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।